बहुत सारे हाथ हैं जिनकी वजह से आज अमृता मिश्रा है और मेरा ये बी बोल वुमन फाउंडेशन जो दिख रहा है वो है। इसको आज 24 मार्च को पूरे 6 साल हो जाएंगे और जैसा आप सबको पता है कि मार्च का महीना पूरा वुमन से सेलिब्रेशंस होता है, तो हमारे शाबाश नारी के ये सीज़न 3 हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसे ऐसे हुनर को, ऐसे ऐसे हीरे को बाहर निकाल के आऊँ जिनमें सच में कुछ काबिलियत है और जो समाज के लिए सच में कुछ कर रहे हैं। अमृता जी, बी बोल वुमन फाउंडेशन की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि ये जौहरी की तरह हीरों को तराशती हैं, यहाँ पे आपने बहुत स्पेशल बच्चे का भी सॉन्ग परफॉर्मेंस कराया, इसके अलावा आपके फाउंडेशन क्या कार्य करती है? मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ कि जो ओल्ड एज होम हो, ऑर्फनेज होम हो, हम उनसे जुड़ते हैं और उनकी जो भी नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं, उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। डोनेशंस के थ्रू हो या जैसे भी हो, हम उसको पूरा करते हैं। क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक ऐसा घर खोलना है जहाँ पे छोड़े हुए बच्चे हों, छोड़ी हुई बच्चियाँ हों, घर से निकाली हुई महिलाएँ हों, घर से निकाले हुए हमारे बुजुर्ग हों, उन सबको एक आशियाना देना, जिसका मैंने एक नाम भी सोच के रखा है मेरे दादा दादी के नाम पे, नयनतारा हाउस। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और बी बोल वुमन फाउंडेशन खोलने का मोटिव भी यही था कि मैं एक आशियाना बनाऊँ और गाँव और शहर को एक जगह ला के खड़ा करूँ। क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, आदिवासी क्षेत्र है जिसका नाम है झाबुआ, मध्य प्रदेश। वो बहुत ही रिवाइवल एरिया है, बहुत आदिवासी क्षेत्र है जिसके नाम से भी लोग डरते हैं, और वहाँ की खासियत है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है। तो गांव और शहर की औरतों को एक प्लेटफॉर्म देना है, एक जैसा खड़ा करना है, ये है मेरा और मेरे बी बोल वुमन का मेन मोटिव है। अमृता जी, आपने जिक्र किया कि बी बोल वुमन में आप अकेली थी, लेकिन ये फैमिली बहुत बड़ी बड़ी हो गई है जी, जैसा कि आपने आपका हैट्रिक शो है जी, तो फैमिली जो बड़ी होती है, अपनों का प्यार मिलता है जी, कैसा लगता है? व्हाट आर यू फीलिंग? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बिलीव नहीं करेंगे 200 मेंबर के साथ शुरू किया था सोशल मीडिया पे, आज 5,500 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जो ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से, जिसमें सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी से सबसे ज़्यादा लेडीज़ें कनेक्टेड है। और उनको मैं हमेशा कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जिसके जरिए वो जुड़ी रहती हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली धीरे 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 बढ़ रही है और बहुत सारे जेंट्स का मुझे सपोर्ट मिला है। मोस्टली पुरुषों का सपोर्ट मिलता नहीं है महिलाओं को, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी फैमिली का और मेरे दोस्तों का बहुत सारा सपोर्ट मिला है। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, यहाँ जो महिलाएं स्टार होकर जा रही हैं, ऊर्जा के साथ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने कदमों को रोको नहीं, घर पे अगर हो तो घर से कुछ काम करो, बट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सिंगल हैंड से घर नहीं चलता। और कब कौन धोखा आपको दे जाए, कब आपके लाइफ में क्या ट्रेजेडी हो जाए, आप बोल नहीं सकते। अगर दोनों हाथों से कमाएंगे तो घर को और खुद को संभाल पाएंगे। आज की तारीख में औरतों का अपने पेड़ों पर खड़ा होना बहुत और इनको मैंने गारंटी भी दी और वारंटी भी दी, इसके आगे जितने भी शो होंगे मैं कर दूंगा। उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, एक्चुअली क्या बोलते हैं जो भी आपके मन में है, उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगा महिलाओं के लिए, उनको कुछ आगे बढ़ने का है, उनको ये इम्पोर्टेंट काम के लिए कुछ कुछ काम रुकता है, तो मैडम से कुछ कॉन्टैक्ट कर दीजिए या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर, उनको उसमें से बाहर निकलने सुविधा हुआ हम लोग कर देंगे। रीता मैम और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये परफॉर्म कर सकूं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और अमृता मैम, थैंक यू सो मच। आगे चल के क्या करना चाहते हो? मैं इंशाल्लाह एक IAS ऑफिसर बनना चाहूँगा। माशाल्लाह,
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमृता जी, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच बी बोल्ड वुमेन्स, मतलब लेडीज़ लोगों को आगे ये सब करना, हर चीज़ को दिखाना, इसके लिए ट्रॉफी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच अमृता मैम इनवाइट करते। और हम लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन अभी इस साल मुझे मतलब 2 साल से कंटिन्यू अवार्ड मिल रहा है। नीलेश मुंगेलकर सर और अमृता मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपने मुझे समझा कि नारी और शक्ति अवार्ड जैसा रहता है, जैसे कि नारी शाबाश अवार्ड नहीं जानते हैं। सो आज इन्होंने यहाँ पर बुला के सबको हमें बताया कि हम कितना हार्ड स्टंट करते हैं। सो इसके लिए हम थैंक यू सो मच ही बोलेंगे सर अमृता मैम को फोन ये नारी शक्ति अवार्ड के लिए, शाबाश नारी के लिए कि उन्होंने ये इसका हकदार हमें समझा यहाँ पर आकर। सो थैंक यू सो मच अमृता जी, और थैंक्स टू बी बोल्ड वुमेन ये अवार्ड देने के लिए। थैंक यू सो मच। वुमेन से तो मैं जुड़ी हूँ काफ़ी टाइम से, बट आई थिंक अभी हम ज़्यादा इंट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड टुडे द बेस्ट पार्ट वाज द वे एवरीबडी वाज गिवन रिस्पेक्ट, हम्बलनेस, बेस्ट आई लव अबाउट अदर्स, जस्ट सो हम्बल एंड काइंड। एंड जितनी इतनी खूबसूरती से उन्होंने सबके बारे में जो डिस्क्राइब किया है, शी इज़ फेलिसिटेटेड एवरीवन, एंड बच्चे जो आए थे वेरी ब्यूटीफुल। सो आई वुड वंस अगेन कंग्रेचुलेट यू, एंड इन्होंने जैसे कहा नीलेश सर ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, सो आई एम श्योर नीलेश सर थैंक यू सो मच फॉर योर वेरीज। तो आज शाबाश नारी का इतना बड़ा अवार्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हूँ इंस्टाग्राम पर, और आप लोग मतलब सबको एंटरटेन करती हूँ, हंसाना मेरा काम है, और मैं कर्नाटका में भी सेकंड रनर आई हूँ। और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, जो अमृता है उन्होंने सही में ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जो डिज़र्व करते हैं, और मैं उनको सल्यूट करती हूँ अमृता को, कि शाबाश नारी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जैसी नारियों को सम्मानित किया जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे इस शाबाश नारी का मैं एक हिस्सा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। थैंक यू सो मच। शैलेश सर आई अल सर यांना खूप अभिनंदन मानतीबद्दल मला। आपने मुझे इस काबिल समझा कि ये शाबाश नारी का जो भी मुझे टैग मिला है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे काम से ही मुझे जाना जाता है। जैसा मैं बहुत से मेकअप आर्टिस्ट का के लिए बोलना चाहती हूँ कि अपना काम खुद अपने नाम से बनवाओ। और थैंक यू सो मच अमृता मैम। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, छोटी सी अच्छी फैमिली पिक्चर है गाने से, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है। तो सबसे अपील रहेगी, आप लोगों से अपील रहेगी कि आप जितना आगे इसको बढ़ा सके, हमारा एक अच्छा प्रयास है, और इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जनता जनार्दन हमें ज़रूर पसंद कीजिएगा, टैग करिएगा। मैं आपको जानते हूँ कि हर किसी के साथ जुड़ा रहता हूँ, और शायद ही ऐसा कोई अवार्ड शो होगा जिसमें मैं साथी ना हूँ। क्या सबसे पहले नमस्कार, और अमृता मैम को बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत अच्छा प्रयास करती हैं और सबको एकजुट बनाने की कोशिश करती हैं। मैं अपनी फिल्म के बारे में बात थोड़ा करना चाहूँगा कि ये फिल्म जो है वेलकम वेडिंग, जो अभी शादियों का मौसम चल रहा है, वेडिंग का मौसम चल रहा है, उसमें स्पाइसी यानी चटकदार मटकदार जो होली का रंग होता है ना, उसमें भर कर एक्चुअली पारिवारिक फिल्म है, जिसे पूर्ण रूप से स्वस्थ मनोरंजन है, जो पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। देखिए मार धाल लंद फन बहुत सारी चीज़ें देख ली, लेकिन अब थोड़ा परिवार के साथ बैठ के फिल्म देखिए वेलकम वेडिंग, जो 29th को आ रहा है, और इसमें बहुत सारे कलाकार हैं, राखी सावंत जी का, राजपाल जी, दर्शन जरीवाला, राजू खेर, फरीदा दादी, बहुत सारे कलाकार हैं, और ये पूरे भारत में और नेपाल में भी लगने जा रहा है। 29th को इस फिल्म को प्यार दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। सम्मान मिला, क्या करना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं अमृता
मिश्रा जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने नारी का जो एक्चुअली एक रूप होता है वो सबके सामने संवारने की कोशिश की, जिससे हम बहुत खुश हैं। उन्होंने इतना सम्मान दिया, वो सारी नारियों को आगे ला ला कर एक एक कहाँ कहाँ से चुन चुन कर उनको सम्मानित कर रही है और उनको प्रेरणा कर रही है ताकि वो आगे और अच्छा काम करें। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहे और हम उनके साथ जुड़े रहे। और हमारी 29 तारीख को जैसे सर ने बताया हैप्पी वेडिंग आ रही है मूवी, वो प्लीज़ देखिए दर्शक। बहुत घरेलू पिक्चर है, फैमिली पिक्चर है और बहुत ही मस्ती वाली पिक्चर है, तो आपको ज़रूर ज़रूर बहुत मज़ा आएगा देखने में। हमारे कलाकारों ने, हमारे सर ने बहुत बहुत मेहनत करी है, तो आप सबसे यही अपील है। मीन्स मैं फर्स्ट विनर हूँ BBW की। सो मैंने तानिश के साथ काम किया, बहुत सारे फैशन वीक्स, फैशन मॉडल्स सबके साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, म्यूजिक एल्बम्स किए हैं। एंड सो मुझे अमृता मैम बहुत पहले से जानती है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, सो वी नो ईच अदर। एंड शी वॉज लाइक इन्वाइटिंग मी सो मेनी टाइम्स बट आई वॉज सो बिजी, देन हमें टाइम मिला एटलीस्ट, मुझे मेरे वर्क शेड्यूल से, मेरे एग्जाम्स ऑल दैट। सो फिर मैंने बोला चलो आज जाते हैं, मैम को मिल के भी आते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला कि इन 20 यू स्टिल नाउ योर सो बिग स्टार, नाउ गोइंग सो अ गुड वे, सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू अमृता मैम। And thanks my parents who support me, and especially my mother. She always support me for and encourage me for go and do what you love to. जी मैं तो बहुत proud feel कर रही हूँ कि ये शाबाश नारी मुझे मिला है, और शायद से मैं कुछ होगी तो मुझे ये मिला रहेगा ना, कोई तो चीज़ अचीव करी रहोगी तो मुझे शाबाश नारी का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच अमृता मैम कि आपने मुझे ये दिया है और ये चीज़ से नवाजा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अमृता मैम का थैंक यू बोलूँगा कि इतने सारे नारियों को उन्होंने इनवाइट करके बहुत शाबाश किया है। और बी बोल वुमेन फाउंडेशन का 6th एनिवर्सरी है, इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। एज अ पूरी टीम हम लोग ने काम किया, हम लोग का इवेंट बहुत सक्सेस गया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस शाबाश नारी, एंड दिस इज माय ओन फ्रेंड शाह बिरसा। डू चेक आउट, डू ऑर्डर्स। थैंक यू सो मच। आपको अवार्ड मिला है, कितना? जी मैं बहुत खुश हूँ, ये अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ तो शाबाशी वाला काम मैंने किया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची बहुत टैलेंटेड है एंड अमृता मिश्रा जी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जो मैं चाहती थी हमेशा मेरी बच्ची म्यूजिक में आगे करे। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड ऑल्सो वेरी गुड कीबोर्ड प्लेयर। सो थैंक यू सो मच अमृता मिश्रा जी, थैंक यू सो मच टू कीबोर्ड वुमेन। लास्ट ईयर भी हम लोगों को चांस मिला था, इस साल थोड़ा और चांस मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर ऑल्सो। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे ही मेरी बच्ची आगे प्रोग्रेस करती रहे, आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और बड़ी आपको जो प्राइस मिला है, क्या प्राउडफुल कर रही हो, क्या कहना चाहोगे मम्मा के लिए? कितना प्यार करती हूँ मैं मम्मी को, बहुत प्यार करती हूँ। जैसे मम्मी है सिंगिंग, मतलब क्या बोलते हैं, रिएक्शन दी है, मतलब कीबोर्ड के साथ साथ जो गाया है वो मुझे बहुत, इसने मुझे ट्रेन किया एक्चुअली घर पे। जब हम लोग गा रहे थे तो मुझे बोलती मम्मा ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं है, कीबोर्ड का जो सिंगिंग होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको कीबोर्ड के हिसाब से सिंगिंग करनी पड़ेगी, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि जो चीज़ मैं सोच रही थी इसको कीबोर्ड क्लासेस में डाल के, वो इसने एक्सेप्ट, वो उसे समझ ली है, वो बहुत बड़ा किताब है हम दोनों के। मैं बी बोल वुमन की मुंबई जोन की हेड हूँ, लेट मी करेक्ट यू। ओके, सो बी बोल वुमन सिर्फ 1.5 साल से मैं अमृता को जानती हूँ एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। उसने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, थोड़ा सा मैंने सिर्फ थोड़ा सा किया उसके लिए, तो उसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर मलाहत आपको मैं बी बोल की हेड बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एज़ फार एज़ बी बोल्ड इज़ कंसर्न, बी बोल्ड जो 1.5 साल पहले मैंने देखा था और जो अभी मैं देख रही हूँ बहुत ऊंचाई तक पहुँच गई है, और इंशाल्लाह से बहुत आगे भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, एज़ फार एज़ अमृता इज़ कंसर्न, अमृता की टीम भी बहुत अच्छी है, जैसे कि सलमान हुआ, अमृता तो है ही है, फिर मेराज, दिन विनीत, राकेश, ये भी बहुत ही हेल्पिंग है,
बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए तो इतना अच्छा शो होता है नॉर्मली। अच्छा, आज के शो के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज का शो बहुत ही सुपर्ब था, इट वॉज़ वंडरफुल। सबको इम्पोर्टेंस दिया गया था, सबको रिस्पेक्ट दिया गया था, यही अमृता का की खासियत है। अमृता किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ती है, वो हमेशा सबको रिस्पेक्ट देती है और द शो वॉज वंडरफुल, आई लव। सम्मान मिला है, शाबाश नारी का सम्मान मिला है और शैलेश सर, राज सर और राम सर के माध्यम से इसको नॉमिनेशन हुआ है। और मेरे साथ में ये मेरे डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग बिजनेस में मेरे साथ में काम कर रही है और लगभग हमारा एक 10,000 लोगों का परिवार हुआ है इसके अंदर और 10,000 लोगों को घर में खुशी है। आज लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, काम की तलाश है ना, लेकिन एक जो नया मार्केट है, हमेशा टेक्नोलॉजी एक नए नए मार्केट को उदय देती है, उदय आता है, नया नया मार्केट उदय में आता है। और लेकिन उसका जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो टेक्निकल ट्रेनिंग का पार्ट हम दोनों संभालते हैं और मुझे मेरी वाइफ का इसमें बहुत बहुत साथ मिलता है और हम दोनों हमारे 10,000 लोगों को, परिवार को एक खुशी दी है। उसके लिए भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए भगवान का लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और वैसे ही मेरे वाइफ का मुझे साथ मिले और हम आगे बढ़े, हमारी तरक्की हो, हमारे समाज की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो। जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत